नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपकी गाड़ी अगर लोड पे की लोड नहीं भर रही तो क्या कारण होता है, ये मैं आप दिखाने वाला हूं। कि कई लोगों का कमेंट आ चुका है कि मेरी गाड़ी लोड पे दिक्कत होता है, लोड नहीं भर रही, बराबर लोड पे चल नहीं रही ढंग से, तो क्या कारण होता है गाड़ी लोड पे सही ढंग से चल नहीं रही, कई बार बार आवाज़ बदलती है, ये सब समस्या लगा रहता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कारण होता है। तो प्रथम मैं आपको दिखा रहा हूँ टंकी, जो टंकी होता है डीजल टंकी होता है, डीजल टंकी में छान के तेल डालना चाहिए, डीजल टंकी में सफ़ेद सुथरे तेल को डालना चाहिए। आगे जाके पाइप से लेकर फिल्टर तक के चोक हो जाते हैं, जो फिल्टर चोक हो जाता है तो गाड़ी आपकी लोड नहीं लेगी, फिल्टर चोक होने से गाड़ी लोड नहीं होगी, पाइप में अगर कचड़े भर गए तो लोड नहीं लगी। अरे गिलासी जो लगी होती है, ये देखिए पंप, जो पंप मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो पंप में गिलासी होती है, अगर गिलासी में कचड़े से भर गई गिलासी, जाली जो भर हो जाती है, तो भी आपकी गाड़ी लोड नहीं लेती। यही कई कारण होते हैं जो गाड़ी लोड नहीं लेती है। ये महत्वपूर्ण का अगर ये सभी आपको ध्यान रखा जाए, अगर छान के तेल डाला जाए, फिल्टर को सफ़ा सुथरा रखा जाए, तो आपकी गाड़ी अच्छी खासी चलेगी लोड पे अच्छी, और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको अच्छी मुनाफा होगा। एक और होता है आपका लोड लेने में, ईयर फिल्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो ईयर फिल्टर होता है, ईयर फिल्टर गाड़ी के लोड पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ईयर फिल्टर आपका चोक हो जाता है मान लीजिए, तो गाड़ी लोड नहीं लेगी, अगर सांस नहीं ले पाएगा, इंसान जैसे इंसान होते हैं उसी तरह गाड़ी होती है, अगर गाड़ी सांस नहीं लेगी तो गाड़ी लोड नहीं लेगी बराबर। तो ईयर फिल्टर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लोड पे। इसके साथ में रेडी वाटर सफ़ा सुथरा रखना भी चाहिए। कई लोग होते कहते हैं रेडी वाटर के अगर गाड़ी बार बार आपकी गर्म होती है तो सीज होने की संभावना बनी रहती है। ज़्यादातर गाड़ी 90% रेडी वाटर के बार बार गर्म होने से गाड़ी सीज होती है। यही कभी अगर इसको ध्यान में रखा जाए, रेडी वाटर सफ़ा सुथरा रखा जाए, एयर कूलर अच्छी तरह से आप रखा जाए। देखिए पावरदार गाड़ी होती है, ये 744 गाड़ी है, पावरदार गाड़ियों से अगर रोटावेटर चलाया जाता है या थ्रेसर चलाया जाता है, तो उस पर रेडी वाटर का साफ़ सुथरा रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ रेडी वाटर से लेकर टंकी, डीजल टंकी, एयर फिल्टर, देखिए ईयर फिल्टर होता है। ईयर फिल्टर में दो जाली होते हैं, एक कागज़ की जाली होती है, एक लोहे की जाली होती है। इन दोनों जालियों को साफ़ रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्विसिंग में हम बदलते हैं प्लास्टिक के जाली को, और जो लोहे के जाली होते हैं उनको मैं सफ़ा धुलाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सफ़ा सुथरा धुलाई करते हैं तो मेरी गाड़ी अच्छी खासी लोड पे चलेगी, गाड़ी आवाज़ नहीं बदलेगी। बहुत लोगों की आवाज़ रहता है, गाड़ी मेरी आवाज़ बदलती है। एक महत्वपूर्ण पार्ट और होता है पंप। अब पंप में क्या दिक्कत होता है कि गाड़ी आपकी बार बार आवाज़ बदलती है, छोटे से कमी से आपकी गाड़ी बार बार आवाज़ बदलती रहती है। मैं आपको छोटे से कारण दिखाऊंगा, छोटा सा कारण क्या होता है। लेकिन पंप जो होता है, पंप में जो वापसी नेट होता है, वापसी वाल नेट जिसे कहते हैं, ये अगर आपका लीक हो गया, इसका कार्य होता है कि पंप में फजिल्ले जो तेल होते हैं उनको वापस टंकी में वापस करना, कहते हैं वापसी नलकी से कहते हैं। वापसी नलकी में अगर इसका लीक हो जाता है तो बार बार ये जब लोड पड़ता है गाड़ी पे तो तेल वापस होने लगता है टंकी में, वापस तेल होने के कारण आपकी गाड़ी लोड पे ढंग से नहीं चल पाती है। इसलिए गाड़ी आपकी बार बार आवाज़ बदलती है, लोड पे ढंग से चल नहीं पाती है, बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है पंप का। इसको अगर आपका इस कारण दिक्कत हो रहा है तो आपको पंप का नेट दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 120-130 रुपये तक का नेट होता है, इस नेट को बदलना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इन सभी पार्टों को ध्यान रखा जाए, लीवर को किस तरह सेटिंग करके जुताई करना चाहिए, अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो आपकी गाड़ी अच्छी खासी चलेगी। कई लोगों का कमेंट आ चुका है मेरी गाड़ी ढंग से लोड नहीं ले रही है। अब ढंग से लोड ना लेने का क्या कारण होता है, इन्हीं से कारणों में से एक कारण हो सकता है आपकी गाड़ी में भी, कि इन्हीं से कारणों में से एक कारण आपकी गाड़ी में हो कि इसलिए आपकी गाड़ी लोड नहीं ले रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छी खासी गाड़ी सेफ्टी रखने के लिए इन सभी कारणों को ध्यान में रखते ही गाड़ी चलाया जाए, और आपकी तेल से मेंटेनेंस रखा जाए, तेल शुद्ध तेल डाला जाए। गांव में बनाया हुआ तेल, जो केमिकल से बनाए हुए तेल का इस्तेमाल करते हैं, उससे गाड़ी के आपके हेड से लेकर नाजिल तक के प्रभावित होती हैं। इसलिए आपको टंकी का सही तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मेरे बताने का यही कारण है कि आपको सही तेल का इस्तेमाल करें, इन सभी बातों का ध्यान रखें, इससे आपकी गाड़ी अच्छी खासी चलेगी, आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। प्यारे दर्शकों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से सुझाव देने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।